हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेलवे ट्रैक के पास फिर डाला जा रहा है केमिकल, बोरिंग और कुओं में आ रहा है लाल पानी, लोगों की सेहत पर पड़ रहा है दुष्प्रभाव। आबू रोड के वासड़ा क्षेत्र में केमिकल डालने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। रेलवे ट्रैक के पास अनाधिकृत रूप से केमिकल डाला जा रहा है। वासड़ा और मावल गांव के लोगों के लिए ये केमिकल घातक बना हुआ है, वहीं इसका लोगों की सेहत पर खास असर दिखाई दे रहा है। रात में चोरी छुप के मौका देखते ही टैंकर चालक केमिकल डालकर चले जाते हैं। ऐसा ही वाकया कल रात को वासड़ा फाटक से करीब आधा किलोमीटर दूर देखने को मिला, जहां पर केमिकल डाला हुआ नजर आया। जहां केमिकल डाला गया वहां एक तरफ किसानों के खेत और दूसरी तरफ रेलवे पटरियां बिछी हुई है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भी दी, लेकिन अभी तक अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो खेत खलियानों के साथ साथ मनुष्य के जीवन पर भी इसका खास प्रभाव पड़ सकता है। पेड़ पौधे का नुकसान होता है, इनके कारण हमने कई बार विरोध भी किया, प्रशासन ने आज तक कोई सही जवाब दिया नहीं। कई बार हमने इसको टैंकर भी हमने मौके पर वारदात पर पकड़े, फिर भी टैंकर भी छूट जाते हैं और उल्टा मुकदमा किया जाता है लोगों पे। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।